दोस्तों, क्या आपको भी +212 +84 +62 +60 जैसे इंटरनेशनल कोड से व्हाट्सएप कॉल आई है? आपको घबराना नहीं है, बस सावधान रहना है। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप यूजर को अचानक ऐसी कॉल्स आ रही है। बहुत से लोग हर दिन ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऐसी कॉल के बारे में अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल आने का सिलसिला पिछले 2 सप्ताह से इतनी तेजी से बढ़ा है कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों भी चौकन्न हो गए हैं। खतरे से सचेत करने के लिए ही गृह मंत्रालय की 14C ने व्हाट्सएप यूजर को वार्निंग वीडियो जारी की है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप कॉल के पीछे इंटरनेशनल स्कैमर है। ये मालवेयर जैसे खतरनाक वॉइस को ट्रांसफर कर रहे हैं। कई बार कॉल्स ब्लैक होती है और कई बार ऐसे भी कॉल्स के जरिए व्हाट्सएप पर लिंक भेजे जा रहे हैं। उस लिंक पर क्लिक करना खतरनाक है। फ्रॉड कॉल को फिलहाल ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक ना ही कॉल उठाने की जरूरत है और ना ही ऐसे नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप मैसेज का कोई जवाब देना है। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब व्हाट्सएप के यूजर्स है। माना जा रहा है कि ये कॉल साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी जगहों से आ रही है। ये कॉल VOIP नेटवर्क के माध्यम से व्हाट्सएप पर आते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की पुलिस भी विदेशी डिजिट से आ रही व्हाट्सएप कॉल की शिकायतें मिल रही हैं और इनकी मंशा क्या है ये अभी साइबर सुरक्षा एजेंसियां पता लगा रही हैं। अगर आपने गलती से कॉल तो उठा लिया है तो किसी फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो साइबर सेल के पास बिना देर की अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। आप कॉल को डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक एंड रिपोर्ट का बटन दबा दीजिए। अगर आपको मैसेज भी आ रहे हैं तो ऐसे में यही स्टेप फॉलो करें। पहले मैसेज आते ही चैट स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे जैसे मीडिया लिंक या म्यूट। स्क्रॉल करके नीचे आने पर ब्लॉक और रिपोर्ट का ऑप्शन आपको जरूर नजर आएगा। नंबर को सिर्फ ब्लॉक नहीं करें बल्कि रिपोर्ट भी करें। जाने माने साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने बताया कि इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल स्कैमर है। आपको कॉन्टैक्ट और डेटा चोरी करने के लिए इसकी आड़ में स्कैमर्स मालवेयर यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। जैसे आप अनजान क्लिक को क्लिक करते हैं ये डेटा जाने का खतरा हो जाता है। ये स्कैमर कभी वीडियो कॉल करेंगे, कभी ऑडियो कॉल करेंगे, कभी आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम, घर बैठे पैसे कमाओ स्कीम या किसी जॉब के लिए आपको ऑफर करेंगे। ये सारे तरीके अपना रहे हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक करें, कॉल को पिक ना करें, भले ही आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट से आया हुआ लिंक क्यों ना हो। दरअसल ये विशेष प्रकार का लिंक है। मान लीजिए आपसे गलती से ये लिंक क्लिक हो गया है तो आपके जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं उनके आपके नाम से ये लिंक मैसेज चला जाएगा। उनमें से काफी ऐसे होंगे जो आपके नाम से भेजे गए मैसेज को देखकर जरूर लिंक करेंगे। हमारे पास भी काफी लोगों की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।